करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो आज की जो हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं कनेक्टिविटी। हम अदर एप्लीकेशन, हमने यूजुअल फॉर्म का टॉपिक खत्म कर लिया है और अगली जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक है अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि एक्सेल के थ्रू अदर एप्लीकेशन को हैंडल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो होता है आउटलुक। तो आउटलुक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आउटलुक आखिर करता क्या है। क्लास देखो, क्लास क्लास। तो आउटलुक जो है बेसिकली मेल सेगेगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम आपको आज इसी अपनी क्लास में बताने जा रहे हैं कि आप एक्सेल के थ्रू कैसे मेल करोगे। तो इस एक्सेल के थ्रू मेल करने का एक ही तरीका है, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है जिससे हम ऑटोमेशन कर सके। ओनली ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे इसके बारे में, मतलब कि एक क्लिक होने पे मेरे रिपोर्ट्स 10 लोगों को चला जाए। जैसे कि मैंने एक बताया था कि एक सैलरी का ए, मतलब कि सैलरी स्लिप थी जो कि 1500 लोगों को मेल जानी थी, तो ऑटोमेटिकली चला गया। तो यही आपके साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम मेल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं जी जी पर। सर ये अटैचमेंट होता है ना? हाँ, अटैचमेंट के थ्रू भी जा सकता है, विदाउट अटैचमेंट भी, मेल बड़ी भी, डिफरेंट डिफरेंट के तरीके हैं। चलिए सारे तरीके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अटैचमेंट के थ्रू कैसे भेजेंगे, राइट? अटैचमेंट के थ्रू हम कैसे भेजेंगे इसके बाद इस बात पे मैंने डिस्कस करते हैं। तो आपने बहुत सारे मेरी वीडियोज में या इससे पहले मेरी क्लासेस में या इससे पहले आपने जो है इसमें इंटरनेट वगैरह पे जब आपने सर्च किया होगा तो आपने एक ऑब्जेक्ट का नाम सुना होगा। तो आज हम आपको भी वही ऑब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट करता क्या है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, मतलब कि किसी अदर एक्सेल से, एक्सेल के अलावा किसी अदर चीज को एक्सेल में होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का, ठीक है? तो डिम हमने यहां पर किया आउट एप एज ए ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड अगेन डिम आउट मेल। अब मैं ऐसे नाम क्यों लिया? तो बेसिकली क्या है कि एक कोड आप हमेशा याद नहीं रखेंगे, एक कोड जो है आप हमेशा याद नहीं रखेंगे, इसलिए मैंने ये दिया, क्योंकि एक कोड जनरली इंटरनेट पे कॉमनली पाया जाता है। और मैं सच्ची बोलूं, मैं भी इंटरनेट से ही सिखा देती हूं। ठीक है, तो आउट ऐप हमने कर दिया, तो हमने डिफाइन किया हुआ। अब मुझे इस पे स्टोर करना होगा, तो मैं यहां पे लिखा सेट आउट ऐप इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहां पे इन्वर्टेड करना पे मैंने लिखा आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए स्पेलिंग मिस्टेक यहां क्रिएट ऑब्जेक्ट में आ गया, तो ये टाइटल केस नहीं हुआ, अब टाइटल केस हो गया। तो हमने क्या किया कि आउट ऐप पे आउटलुक एप्लीकेशन को होल्ड किया, मतलब किसको ओपन कर लिया।
फिर यहां पे करते हैं सेट आउट मेल, मेल भी तो करना पड़ेगा, न्यू मेल कंपोज तो करना पड़ेगा ना, तो आउट मेल इक्वल टू, मैंने बोला कि आउट ऐप मतलब कि आउटलुक एप्लीकेशन डॉट क्रिएट आइटम, क्रिएट आइटम और यहां पे जीरो, क्योंकि आइटम में जब मेल क्रिएट करते हैं उसमें और भी बहुत सारी चीज होता है ना, इसलिए हम यहां पे क्रिएट आइटम करते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने क्या किया, इससे हमने क्रिएट किया आउटलुक एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को क्रिएट किया, इससे मैंने सिर्फ आइटम को क्रिएट मतलब कि मेल को कंपोज किया। अब इसमें बाकी और भी चीजें देना है ना, तो यहां पे लिखता हूं बिथ बिथ आउट मेल और यहां पे डॉट टू, टू में क्या होना चाहिए, तो मैंने यहां पे दे दिया कुमार एट द रेट iptindia.com, जो मेल आईडी है वो मेल आईडी डाल दीजिए, लूप में डालना है लूप में डाल दीजिए, यहां कुछ भी कर सकते हैं आप, सीसी सीसी डालना है डालिए, नहीं डालना है तो ये सीसी भी डालने की जरूरत नहीं है, सेम बीसीसी डालना है तो डालिए, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में यहां हम देते हैं, अब इसमें ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट यहां डाल देते हैं टेस्ट, उसके बाद यहां पे बॉडी, अब एक चीज ध्यान रखिएगा मेल की बॉडी पे आप फॉर्मेटेड मेल इसके थ्रू नहीं भेज सकते, फॉर्मेटेड मेल भेजने का दूसरा तरीका है जो कि एचटीएमएल की कोडिंग इसके अंदर करनी पड़ती है, एचटीएमएल वेबसाइट की कोडिंग जो होती है वो करके भेजनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है अभी आपको समझ में नहीं आएगा नहीं बताया। तो अगर मान लीजिए मुझे लिखना है कि मैं लिखता हूं हाय प्लीज फाइंड अटैच्ड फाइल फॉर रिपोर्ट्स है जो भी लिखे रिपोर्ट रिपोर्ट यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड सुजीत कुमार, यहाँ पे कुमार डॉट कॉम कर दो, कम लिखा है, चलिए कौन सा मेल जा रहा है। अच्छा अच्छा सर मुझे एक बार बताओ, ये मेरे मतलब मेरे एक ऑफिस में ही ऐसे बंदे ने बनाया है, बट वो क्या करता है एक्सेल में जो ईमेल आईडी मेंशन है ना उसको ले लेता है, वो भी हो सकता है। हाँ यहाँ से रेंज ले लीजिए, रेंज ए1 बट यहाँ से क्या क्या रेंज, जैसे कि मान लीजिए कि डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो यहाँ पे आप कर दीजिए कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू, हो गया, लूप में है तो लूप में डाल दीजिए, अगर वैल्यू लूप में है तो लूप में डाल दीजिए। सर एक्चुअली ना वो क्या होता है, एक पूरा डेटा है जो ऑटोमेटिक फिल्टर करता है उस डेटा को, और उस डेटा के आगे ना उसने ईमेल आईडी डाली हुई है, तो वो किसी एक ईमेल आईडी को लेता है टॉप वाली। हाँ तो उसने उसकी एल्गोरिथम कोडिंग कर रखी होगी, उसमें लूपिंग वगैरह और फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ इन्वर्टर को आप अपना मेल आईडी दो या फिर सब्जेक्ट में मेल आईडी दो, आप अपनी कुछ भी दे सकते जो बीबीए कंसेप्ट सर, अगर एक से ज्यादा दो मेल, एक से ज्यादा अगर दो मेल आईडी लिखी है उस रेंज में, सपोज करो 10 पार्टी को भेजना है, कॉमा करके डाल दीजिए, कॉल
एक तो है कि दसों पार्टी को कंबाइंड मेल भेजना, जैसे आप लोग भेज दीजिए, बेसिकली टू में आपने 10 लोगों का नाम डाल दिया, तो कॉमा कॉमा करके डाल देते हो, कॉमा या सेमी कॉलन करके डाल देते हो। लेकिन नहीं, अच्छा अगर अगर आपको दसों को सेपरेट मेल करना है तो फिर आपको लूप में लगाना पड़ेगा ना, 10 पारे चलेगा, लूप में लगा दीजिए। एक सेल पे आप अपने 10 मेल आईडी का नाम लिख दीजिए और लूप में लगा के ये वन बाई वन कॉल कर लीजिए, ठीक है सुजीत सर? हाँ। एक सेपरेटली मुझे एक वो भेज देना सर, आपने कोडिंग की थी ना एक बार, हर एक डेटा में हर एक फिल्टर ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर करके न्यू फाइल्स बनाता है, यूट्यूब पे पड़ा होगा? नहीं मिल रहा बॉस, मैं बहुत ढूंढा, मिल रहा ही नहीं है मुझे। ठीक है देख लेंगे। ओके तो सब ये मुझे पूछना था, अगर टू में मेरे को सपोज मान के चलो एक फाइल है 1500 लोगों को मेल करनी है, तो मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया ना कि अगर कंबाइंड मेल भेजना है तो कॉमा करके यहाँ डाल दीजिए, अगर सेपरेट मेल करना है तो सीट पे उसकी मेल 10 लोगों का 15 लोगों का लिस्ट डालिए और इसको लूप में डालिए कि 4 1 = 10, इस तरह से कि 4 i = 1 = 10, और फिर यहाँ पे आप जो है जो भी कंसेप्ट है वो डाल दीजिए, इतना तो एलिजिबल हो ही गए आप लोग। ठीक है सर, ठीक है सर। इतना एलिजिबल नहीं है, और नहीं है तो फिर 10 से 11 का बैच ज्वाइन कीजिए और दोबारा से रिव्यू सीखिए। नहीं सर इतना तो हो जाएगा, बस वही मैं कंफर्म कर रहा था। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। हाँ सर, अब जैसे कि अभी तो हो गए, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मेल बॉडी पे लिख के जाएगा तो देख रहे आपको इकट्ठा एक ही लाइन में जाएगा, लेकिन हम लोग जनरली हाई के नीचे एंटर मारते हैं फिर थैंक्स गार्ड के नीचे एंटर मारते हैं ना, इसमें हम फॉर्मेटिंग वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इसका क्या बोलते हैं रैप तो कर सकते हैं इसको। तो रैप करने के लिए तरीका आपको जो मैसेज बॉक्स में बताया था वो है कि यहाँ पे एन परसेंट और यहाँ पे लिखेगा वीवी न्यू लाइन और फिर अगेन एन परसेंट इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूं और रिपोर्ट के बगल में, फिर यहाँ पे एन परसेंट वीवी न्यू लाइन, और फिर यह वापस एन परसेंट और फिर इन्वर्टेड कॉमा में इसको डालिए और फिर एन परसेंट वी वी न्यू लाइन। ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? एन परसेंट नहीं डालना, वी वी न्यू लाइन। ठीक है सर, एक एक स्टेप नीचे करेगा ना। हाँ ये हाई जहां ना न्यू लाइन लिखा हुआ है ना वहां तोड़ देगा वहां से नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर यहां पे होगा अटैचमेंट, अगर आपको अटैचमेंट करना है तो अटैचमेंट अटैचमेंट्स डॉट एड और फिर यहां पे पाथ डालिए जो आपका पाथ है। ठीक है, अटैचमेंट डॉट एड एक्टिव वर्क जो भी पाथ है तो मैं एक्टिव वर्क का पाथ डाल दिया, आप अपना पाथ डाल। क्लियर है सर? और लास्ट में डालेंगे सेंड, याद रखिएगा अगर पहले सेंड डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लास्ट में सेंड डालना है। यहां पे फिर कर दीजिए बैंडविड्थ, यही कोडिंग है एक्सेल के थ्रू मेल करने का। अब इसमें आपको कुछ ऑटोमेशंस करनी है तो आप
ये जो ऑटोमेशन कंसेप्ट हो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, इसलिए लूपिंग हो गया, कनेक्टिविटी वगैरह हो गया, रेंज रेफरेंस लेना हो गया वगैरह वगैरह। सर मेरे को बंक में मेल करना होता कभी कभार, तो अटैचमेंट नहीं कर पाता। अटैचमेंट के लिए आपने बढ़िया बता दिया, अटैचमेंट के लिए वीवीएल थ्रू हो जाएगा। इसमें मेल मच यूज करता था, जैसे कि मैंने क्या किया हुआ था, मेरे पास क्या था कि हमने एक मैक्रो बनाया था जो कि सैलरी स्लिप क्रिएट करता एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग, दूसरा एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग मेल आई डी के थ्रू यहाँ से उठाते थे एम्प्लॉय कोड मेल आई डी इफ कंडीशन के साथ, और उसको हम उसकी फाइल भी सेम उसकी एम्प्लॉय कोड से उठाते थे और भेज देते थे। अब ये समझ में आ गया, समझ में आ गया कोड सर? समझ में आया। एक बार रन करके देखता हूँ कि एरर तो नहीं है, एरर होगा, ये पाथ में गया होगा, अटैचमेंट एरर करेगा क्योंकि फाइल मेरी सेम नहीं है ना, देख रहे हैं ना, वेरीफाई द पाथ इज करेक्ट, दिख रहा है ना सर? एक चीज और पूछना था इसमें, पूछिए ना सर, क्या पूछना है सर? अगर मेरे पास आउटलुक में 3-4 आईडी कॉन्फ़िगर है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक आईडी से भेजना चाहता हूँ, उसके लिए इसमें कोई सेटिंग करनी पड़ेगी क्या? हाँ, डॉट यहाँ पे फ्रॉम लगा दीजिए कि मतलब इस आईडी से उठा के भेजे हो। हाँ, जो आईडी है नहीं, फ्रॉम करते हो तो फिर वो रिप्लाई मेल आता है। मैं कभी ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर लीजिएगा। आप एक काम करेंगे ना, आउट में जाके डिफॉल्ट कर दीजिए, वो वहां से मतलब सेट हो जाएगा, तो यहां से उठा लेगा ना वो। हाँ। ठीक है, ऐसे फ्रॉम ट्राई करके भी देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि ये जो आप तरीका देखा है ना, इसमें आउटलुक डॉट एप्लीकेशन वगैरह की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या जो जिससे आउटलुक की बात ना करते हैं, हम बात करते हैं वर्ड पावर पॉइंट सब चीजों की बात करते हैं, तो जैसे कि डॉट लगाते हुए नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि टूल्स के रेफरेंसेज में जाना होता है, और रेफरेंसेज में आप जो है नीचे आइए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक स्टीम डॉट ऑफिस लाइब्रेरी, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। उसके बाद में अगर मैं करता हूं कि डिम आउट ऐप, और यहां पे आउट ऐप एज ए, हमने यहां पे कर दिया आउटलुक, देखिए यहां पे आउटलुक आ गया, पहले नहीं था अब आ गया, डॉट एप्लीकेशन, ठीक है, आउटलुक देखिए यहाँ पे देख लीजिए सही से, फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आप। उसके बाद यहीं पे पूरा करते हैं, आउट में पूरा करने दीजिए, उसके बाद पूछिए क्वेश्चंस। ओके, एज ए आउट, इसमें आउटलुक होगा या ए, आउटलुक मेल आइटम होना चाहिए, आउटलुक डॉट मेल आइटम, और फिर करेंगे सेट आउट मेल इक्वल टू आउट ऐप, देखिए डॉट लगाते सब चीज आ जा रहा है, क्रिएट आइटम और ब्रैकेट में यहाँ पे मेल आई ओ एल मेल आइटम आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट लेवल मेल आइटम, इसमें और भी होते हैं, कैलेंडर होता है, कॉन्टेक्ट आइटम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका ये अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद विद कमांड लगाइए, विद कमांड में आप यहाँ पे आउट मेल और उसके बाद जो डॉट डॉट जो आपने किया है सारी चीजें वो ऑटोमेटिक करते चले जाइए, डॉट टू यानी सब चीज आ जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पूछिए आप लोग क्या पूछ रहे थे।
पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप लोग? सर ये बहुत फायदे की चीज है, अगर आप मेरे को वो वाला दे दो मैक्रो जो फिल्टर कर करके कॉपी करता है, हर वर्कबुक अलग अलग बनाता है। ठीक है सर, दे दूंगा, मुझे भी निकालने पड़ेंगे ना। मैं दिन, अब सोचो कि मैं दिन भर में मेरे डेटा बेस में कितने वीडियो पड़े होंगे। नहीं सर, एक बार बताओ, इस पे कोई काफी लंबी कोडिंग होगी उसकी फॉर ईच फिल्टर? नहीं नहीं नहीं, उतनी लंबी नहीं होगी, छोटी सी कोडिंग है, बड़ी कोडिंग नहीं होनी चाहिए। तब भी हाँ है, मैं देखता हूँ कोई बैच उसके आसपास होगा तो मैं वो टॉपिक दोबारा कवर कर दूंगा। ठीक है सर, मैं ध्यान में रखूंगा। ठीक है सर जी, हाँ पूछिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, नजदीक आके बोलो। हेलो, हाँ अब आ रही है। कोडिंग भेज रहा हूँ। भेज दी सर। हेलो, हाँ राहुल, आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, माइक के पास आके बोलिए थोड़ा सा। सर मेरा नाम नहीं है इसमें। अच्छा मिल गया है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। सपोज मेरे पास एक फाइल है, उसको बड़ा वो समरी बना रखी है एक अलग से, उस समरी को ना मुझे कॉपी पेस्ट करके मेल बॉडी पे डाल के भेजना है। कल की टॉपिक है इसके लिए, आप इसके लिए आपको 24 घंटे भी इंतजार करना पड़ेगा। ये कल पढ़ाओगे ना? जी हाँ। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सुनिए, आपको क्या करना है, अभी इस मेल वाली जो आइटम मैंने आपको बताया, इस मेल वाली आइटम को लेके आपको एक आपको मैक्रो क्रिएट करना है। मैक्रो क्या क्रिएट करना है कि मेरे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या है कि मेरे, मान लीजिए कि मान लीजिए फीस ही ले लीजिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट है उनकी मेरे पास फीस का डेटाबेस। मैं हर स्टूडेंट को मेल करना चाहता हूं कि योर फीस इज नॉट सबमिटेड बैलेंस ड्यू टू प्राइस है इतना। आपके पास मैसेज आता है ना, आपके हर महीने आपके मोबाइल का बिल का या क्रेडिट कार्ड का बिल का या अकाउंट बैलेंस का, मैं उसी टाइप का बनाना चाहता हूं कि मैं अपने सारे स्टूडेंट को उसके फीस से रिलेटेड मेल करूं। हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली मेल जाना चाहिए और उसकी बैलेंस फीस के साथ। राइट, ये बना के सर एक क्वेश्चन मेरे को था। पूछिए क्वेश्चन, पूछिए क्या क्वेश्चन है सर? जो एक बार एक्सेल खोलेंगे जिसमें आपने कोडिंग किया था, बोलिए। इसके अंदर मेरे को क्या है कि जो जैसे आपने रिगार्ड्स लिखा है, रिगार्ड्स के अंदर कोई मेरे पास कंसाइनमेंट नंबर, शिपमेंट नंबर है, हर मेल आईडी के सामने मेरे पास एक शिपमेंट नंबर है, लूप से शिपमेंट नंबर को इंसर्ट करना चाहता हूं। लूप से उठा लेंगे, जैसे मैं मेल आईडी पिक कर रहा हूं वहां से दूसरी एक्सेल से, वैसे शिपमेंट नंबर भी पिक कर सकता हूं ना? हां कर सकता है। ठीक है सर, अरे मेल कर देना, मेल नहीं आई मेरे पास। मेल कर चुका हूँ, सब ग्रुप में भेजा है मैंने। सर मेरे पास नहीं आई मेल अभी आपकी। सर मेरे पास भी नहीं आई। आप मेरा नाम नहीं है उसमें सर, जिसमें जो आपने भेजा है। ठीक है मैं भेज देता हूँ। ओके सर, ओके बाय, गुड नाइट। ओके सर।